तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ बात कर रहे हैं कोड कंसेप्ट की। हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की आपके साथ माइक्रो की रिकॉर्डिंग माइक्रो की कि कैसे रिकॉर्डिंग माइक्रो को हम चेंज करेंगे, माइक्रो कैसे यूज करेंगे। अब बात करते हैं कोड कंसेप्ट की। तो माइक्रो को स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा डेवलपर टैब होना चाहिए और साथ में माइक्रो सिक्योरिटी को एनेबल होना चाहिए, वन टाइम ही करना है, और फाइल को सेव करना है जो कि हमेशा जरूरी है, लेकिन फाइल को सेव करना है माइक्रो एनेबल वर्कबुक में। इसको कभी आप भूलना, मतलब भूलना नहीं है। विजुअल सी में क्लिक कीजिए, ये आपका खुल के आएगा, उसको बोलते हैं वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर। अब इसको जान लीजिए कि इसमें कोडिंग कहाँ करेंगे। हम सीट वन पे भी कोडिंग कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ जितने फाइल ओपन होंगे ना उसका लिस्ट दिखेगा। देखिए जितने फाइल ओपन है, बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, तो बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, हर फाइल के अंदर जितने ऑफ शीट्स है ना सर, उसका सीट लिस्ट दिखेगा। और ये जो सीट देख रहे हैं, पहला दिख रहा है वो सीट का आपका प्रॉपर्टी नेम है, जो ब्रैकेट में उसको कैप्शन नेम करते हैं। तो माइक्रो लिखने के लिए हमेशा मॉड्यूल का इस्तेमाल करें, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ना करें, वरना उसी के साथ कोड सेव होगा। ऐसे सीट वन पे डबल क्लिक करके आपने कोड कर दिया तो क्या होगा, सीट वन के साथ ही आपका कोड सेट हो जाएगा। तो मॉड्यूल्स में हमेशा करें, हमें पिछले बार बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, तो मॉड्यूल्स में हमें जो करना है कोडिंग करनी है। अब बात करते हैं माइक्रो को डिफाइन करना। तो सब्जेक्ट लिखना है और फिर अपना माइक्रो नेम दे के ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे आपके माइक्रो लिस्ट में आपका माइक्रो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे बुक टू आर आर, क्यों क्योंकि हमने जो कोडिंग किया है बुक टू के अंदर में किया है, और हम माइक्रो देख कहाँ रहे हैं, बुक थ्री में। अगर आप बुक थ्री में कोडिंग करें, जैसे मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स में गया और सब, और यहाँ पे हमने आर आर करके ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर मार, तो अब मैं माइक्रो लिस्ट में जाएंगे तो आर आर दिखेगा। अब देखिए जिसके सामने फाइल का नेम लिखा है मतलब कि इसी फाइल का माइक्रो है, जिसके सामने नाम लिखा हुआ है मतलब कि इस फाइल का माइक्रो नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें हम माइक्रो का ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं कि इसमें कोडिंग क्या लिखी। माइक्रो नेम जो है अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा माइक्रो नेम में जो है ए नहीं होना चाहिए जी, किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो दिक्कत करेगा, वो माइक्रो नेम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है जी जी, इसका ध्यान आप रखें, ठीक है, ठीक है जी जी। एक नाम के दो माइक्रो भी नहीं होने चाहिए, एक नाम के दो माइक्रो भी नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा इसका। अब मैं पहला वर्ड क्या लिखता हूं, पहला लिख लिखता हूं एप्लीकेशन। पहला जो होता है हमारा एप्लीकेशन होता है, फिर आता है वर्क बुक्स, फिर आता है हमारा शीट्स, फिर आता है ब्रेन। जो चार जो है, चार जो है मेन क्या है, मेन ऑब्जेक्ट, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं लिखते हैं इंग्लिश जी जी, तो इंग्लिश बोलते समय जो हम लोग पहला वर्ड क्या यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन, ये यूज होता है जी जी, नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये चारों में से कोई एक होगा पहला वर्ड, वो वर्ड किस पे डिपेंड करेगा, आपका एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होता है, देखिए जैसे मैं बताया था आपको कि हर एक चीज का, हर एक काम करने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो पहला यहाँ पे आता है, जो आता है वो आता है एनालिसिस, कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज करो, एनालिसिस। फिर आता है को यहाँ पे एल्गोरिदम, एल्गो तैयार करें, फिर उसकी कोड कोडिंग करें,
देन आता है टेस्टिंग, टेस्टिंग, फिर आता है रिकोड, देन रीटेस्ट, रीटेस्ट, ठीक है जी। कब तक? जब तक कि फाइनल ना हो, फाइनल ना हो जाए अप्लाई। अब एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे नेम है, रोल नंबर है और यहाँ पे मार्क्स है। मैंने यहाँ पे दिया पूजा और करके हम नीचे की तरफ एंट्री कर दिए, और रोल नंबर मान लीजिए ना मुझे यहाँ पे नेम, रोल नंबर, मार्क्स तीन चीज लिखने हैं, तो इसका एल्गोरिथम होगा स्टार्ट, ठीक है ना, सिलेक्ट ए वन, एंटर नेम, सेलेक्ट बी वन, एंटर रोल, सेलेक्ट सी वन, एंटर मार्क्स, ठीक है, और फिर अब इस पे डिसाइड होगा। अब ऐसा क्यों किए, क्या होता है, जैसे मुझे सेलेक्ट करना है फिर टाइप करना, तो मान लीजिए बिना पहले टाइप कर दिए फिर सेलेक्ट किए तो फिर क्या होगा, जहां पे टाइप करना वहां पे टाइप तो नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं होगा। ऐसे मान लीजिए मुझे पिवट अप्लाई करना था, पहले हमें डेटा को सिलेक्ट करना होगा देन पिवट अप्लाई करना होगा जी। तो इसलिए प्रोसेस आपके इंपोर्टेंट है, इसलिए एल्गोरिथम तैयार करना होता है, और इस एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका एल्गोरिथम कहता है कि एक वर्कबुक पे इफेक्ट डालता है, जैसे क्रिएट अ वर्कबुक, ओपन अ वर्कबुक, सेव अ वर्कबुक, तो हमारा वर्कबुक से होगा। एक सीट पे इफेक्ट करता है, जैसे इंसर्ट सीट, डिलीट सीट, हाइड सीट, अनहाइड सीट, प्रोटेक्ट सीट, अनप्रोटेक्ट सीट, तो वो हमारा शीट के ऊपर आया, शीट के ऊपर। अब रेंज के ऊपर से डेटा डालना है, डेटा कॉपी पेस्ट करना है, चार्ट लगाना है, पिवट लगाना है, फिल्टर लगाना है, वैल्यू लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, सब चीज कहाँ पे होता है, रेंज में। तो रेंज से होंगे। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन को फिलहाल हम छोड़ते हैं क्योंकि ये भराएंगे बाद में, पहले हम वर्कबुक को लेकर चलते हैं। तो वर्कबुक भी हो सकता है और आपका एक्टिव वर्क बुक भी हो सकता है, दो तरीके से लिखते हैं, बुक्स नहीं होता, बुक को माफ कीजिएगा, एक्टिव वर्क बुक। ऐसे आपका सीट होगा और यहाँ पे एक्टिव सीट होगा। ऐसे आपका रेंज होगा, तो रेंज में आता है एक्टिव सेल या सेल्स भी होते हैं, या इसको हम लोग सिलेक्शन भी कहते हैं, चार तरीके से लिखते हैं, इन चारों में से कोई एक होगा। और ये चारों में से कोई भी लिखे तो वही रिजल्ट हमको मिलेगा। हाँ, मतलब कि इस पे डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपका सिचुएशन क्या है। okay, जैसे मान लीजिए मुझे एक नई फाइल खोलनी है, तो यहाँ लिखेंगे workbooks.add, ठीक है। अब मुझे फाइल सेव करनी है, तो फाइल सेव करने का कोड होता है कि workbooks और इसके अंदर वर्क बुक्स, इसके अंदर बुक का नेम बुक वन डॉट एक्सलेस एक्स डॉट सेव एज, और पाथ किस ड्राइव में आपको पेस्ट करना है, मतलब सेव करना, उस फोल्डर में, और क्या फाइल नेम और क्या एक्सटेंशन, ठीक है। बट मैं जो फाइल क्रिएट किया हूं उसको मुझे सेव करना है, तो यहाँ तो फिट नहीं बैठेगा ना, क्योंकि जब वर्क बुक एड होगा तो जोड़ी थोड़ी कि बुक वन ही होगा, बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर, बुक फाइव, कुछ भी हो सकता है जी। तो ये जो कोड हुआ एक पर्टिकुलर वर्कबुक के लिए हुआ, मैं जो सेव करना चाहता हूं उसका नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं लिखना होगा एक्टिव, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और फिर पाथ, यहां पाथ सिलेक्ट, फाइल नेम सिलेक्ट एक्सटेंशन, समझे जी। हाँ, तो यहाँ एक्टिव वर्क को क्यों लगाया, कि जिस फाइल को मुझे सेव एज करना है वो फाइल मेरा एक्टिवेट है, नाम पता नहीं बट एक्टिवेट है। यहाँ हम कभी यूज करेंगे जब पता है कि हाँ डेटा फलाना फलाना फाइल को सेव एज करना है। तो ये जो जो सब टाइटल है ना सर जी, जी उसी पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सिचुएशन क्या है। अच्छा, एक चीज है कि बस बच्चों को डिपेंड होता है कि इसमें डॉट लगाते हैं तो नीचे बहुत सारा एक्सप्रेशन मार्क आ रहा है ना सर जी जी, ये क्या क्या है कैसे पता चलेगा, तो ये आपको अभी जो है इसी चीज को पढ़ना है, ठीक है। ओके, इसको लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन मार्क जी जी, या F1 में क्लिक करें, क्लिक करते हैं आपको इंटरनेट का पेज खुलेगा जी, ठीक है, इंटरनेट का पेज खुलेगा और इसके आपको एक्सेल वीवी रेफरेंस पे क्लिक करना है जी।
एक्सेल बीबी रेफरेंस में क्लिक करने के बाद इसके ऑब्जेक्ट मॉडल पे क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट मॉडल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे। हमें वर्कबुक चाहिए ना सर, जी तो ये सॉर्टेड है, तो आप डब्लू वाले पार्ट में चले आइए। तो यहाँ पे वर्कबुक और वर्कबुक्स दोनों आएंगे, दोनों पढ़ने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग कोड वर्कबुक्स ही लिखाता है, तो वर्कबुक ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्कबुक आपके यहाँ पे सैंपल है, इसके बाद इवेंट, इवेंट को फिलहाल छोड़ दीजिएगा, आपको पढ़ना है मेथड एंड पढ़ना है प्रॉपर्टीज, ठीक है। ठीक, अब इसमें जो जानते हैं वही ऑल एक्सेप्ट चेंज क्या होता है, एक्टिवेट क्या होता है, एक्सेल में जानते हो उसी को पढ़िएगा। अब पता चले एक्सेल में नहीं जानते, जैसे ऐड टू फेवरेट पता है आपको क्या होता है, चेंज फाइल एक्सेस पता नहीं है, तो जो चीज पता नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो पता है उसको पढ़ लीजिए। जब इस पे क्लिक कीजिए, जैसे प्रिंट आउट हुआ, ठीक ना, जब क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पे प्रिंट आउट से रिलेटेड सारे आ जाएंगे कि उसकी कितने भी सिंटैक्स है। सिंटैक्स समझते हैं ना सर, जैसे फॉर्मूला आप लगाते हैं ना, जी फॉर्मूला लगा आपने लगाया इफ का फॉर्मूला, तो इफ का फॉर्मूला का डेफिनेशन आ गया। जी जैसे टैब मारेंगे तो नीचे आता है क्या क्या डालना है, तो लॉजिकल जी लिस्ट जी क्या होता है, जब क्लिक जी करेंगे इस पे, जब इस पे एफएल पे क्लिक करोगे यहाँ बताया था ना जी जी कि जी लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, जी वैल्यू ट्रू क्या होता है, वैल्यू फॉल्स क्या होता है, बताया था ना सर यहाँ पे। जी 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 सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज आपको यहाँ पर है कि जो कोड हमें लगाया प्रिंट आउट उसका सिंटैक्स क्या क्या है और किसका किसका क्या यूज है, और उसके कुछ एग्जांपल आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके तो वर्कबुक के जो मेंबर है उसको पढ़िए ताकि हम कल इस पे डिस्कस कर सके आपके साथ, ठीक ठीक है। अगर नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं इसका लिंक आपको भेज देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से ढूंढ लें। जी बिल्कुल हाँ ठीक है, तो चल सर अभी नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, तो मैं माफी चाहूंगा, आगे कल मिलते हैं, कल से क्लास कंटिन्यू होगा, नो लेट नो डिले नो छुट्टी। ओके श्योर सर कोई थैंक यू, मैं इसको हाँ वो रीड कर लूँगा ठीक है। ओके थैंक यू सर।